बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ट्राउज़र के डिज़ाइंस लेकर आई हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरे पास एक ट्राउज़र है। हमने ईद के लिए जो कपड़े बनवाए हैं उनमें बहुत ही खूबसूरत ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग करवाई है। तो ये जो ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग है, इसमें सिंपल ट्राउज़र हमने बनाया है और सिर्फ इसमें इतनी सी डिज़ाइनिंग है कि ये इस तरह से थोड़ी सी आड़ी लाइनें हमने एक एक सिलाई की, यानी बारीक सिलाइयां करके ये छोटी सी प्लेट्स बनाई हैं। आप देख सकते हैं, एक ये है और दूसरे पाइंचा भी ऐसे ही बनाया है। ये फ्रंट साइड से बहुत ही खूबसूरत लगता है और इसमें हमने कटिंग ऐसे की है कि यहाँ भी सिलाई आई है और इस साइड भी आप देख सकते हैं कि सिलाई आई है। इसकी कटिंग बहुत ही सिंपल होती है, स्टाइलिश होती है, ये पहनने के बाद बहुत प्यारा लगता है। मैं आपको नेक्स्ट डिज़ाइन दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, ये मेरे पास सेकंड ट्राउज़र डिज़ाइन है। सिंपल ट्राउज़र है ये, बहुत ही खूबसूरत इसकी स्टिचिंग हुई भी है और ये चिकन फैब्रिक का है। ये देखिए, चिकन फैब्रिक पर बना हुआ है। इसके साथ प्लेन लॉन की शर्ट है, प्रिंटेड है थोड़ी सी, बहुत ही हल्का सा प्रिंट है। और ये देखिए, बहुत ही प्यारी इस पर ये चिकन वर्क हुआ हुआ है, बहुत ही स्टाइलिश लग रहा है। थोड़ा सा खुला बनाया है हमने ताकि इसे पहनने के बाद अच्छी लुक आए। इसके साथ झबला फ्रॉक बनाइए, बहुत ही खूबसूरत लगेगी झबला फ्रॉक खुले पैंचों के साथ। एक और डिज़ाइन देखते हैं गाइस। यहाँ पर ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, बहुत ही स्टाइलिश है। इसके जो डिज़ाइन है, कटिंग है जो इसकी, ये सिंपल ट्राउज़र की जैसी कटिंग होती है वैसी कटिंग आपने करनी है, लेकिन इसमें यहाँ पर भी सिलाई है जैसे कि, और यहाँ पर भी सिलाई है। आजकल ये बहुत ज़्यादा इन सिलाइयाँ हैं, यानी दोनों साइड से कटिंग करके जो बनाया जाता है ट्राउज़र्स की डिज़ाइनिंग बहुत प्यारी होती है। ये देखिए, ये चिप्स बुकरम लगा कर अंदर फैब्रिक में इस तरह से गोलाई बनाई हुई है, बहुत ही खूबसूरत ये शेप बनाई है और इसमें तीन प्लेट्स दी हैं बारीक बारीक, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा। ज़्यादा करीब से दिखाती हूँ मैं आपको। बहुत ही प्यारा ये डिज़ाइन है, खूबसूरत स्टाइलिश है। ये दोनों पैंचों पे इसी तरह की डिज़ाइनिंग हुई हुई है। एक साइड से करनी है ये आपने डिज़ाइनिंग और एक साइड से प्लेन रखना है, यानी कि ये फ्रंट साइड पर आपकी डिज़ाइनिंग आएगी और बैक साइड से आपका ट्राउज़र प्लेन होगा। बहुत ही खूबसूरत ट्राउज़र बना हुआ है, ये धागा भी आ गया इस पर लगकर। ये देखिए, बहुत ही स्टाइलिश ट्राउज़र है। आप ज़रूर बनाइएगा ईद पर अपना इस टाइप का ट्राउज़र, और इस तरह के ट्राउज़र बहुत खूबसूरत लगते हैं। एक और मैं आपको ब्लैक कलर में ट्राउज़र दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही स्टाइलिश है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। ये देखिए डिज़ाइन एक और है ट्राउज़र का गाइस, बहुत ही खूबसूरत ट्राउज़र मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आपने मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। और ये जो ट्राउज़र डिज़ाइन है, इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा हुई हुई है और ये डिज़ाइन भी सेम है, जैसा आपने पहले वाला ब्लैक देखा है वैसा ही ये डिज़ाइन है। एक साइड प्लेन और एक साइड पे थोड़ी सी ज़्यादा आपने डिज़ाइनिंग कर लेनी है। तो ये फ्रंट पर आएगा और ये वाली साइड बैक पर चली जाएगी, तो बहुत ही खूबसूरत लुक आएगी। इसमें जो है, ये जो गोलाई बनी हुई है, कट्स बने हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही नफासत के साथ बने हुए हैं। और इसमें फैब्रिक में करीब करीब थोड़ी सी सिलाइयाँ लगी हुई हैं। देखिए, थोड़ा सा ये 1 इंच का गैप होगा, आपको नज़र आ ही रहा होगा। 1 इंच के गैप के साथ आपने ये स्टिचिंग करनी है और नीचे से जैसे ट्राउज़र की फ़ोल्ड करके स्टिचिंग होती है वैसे ही कर लेनी है। ये वाला जो हिस्सा है, ये पैच जो है, अलहदा से तैयार करना होता है और इसे अटैच कर देना होता है ट्राउज़र के साथ। तो उम्मीद है आपको ये ट्राउज़र डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। आप भी ज़रूर बनाएंगे अपने लिए इस टाइप के ट्राउज़र्स, बहुत ही खूबसूरत स्टाइलिश ट्राउज़र डिज़ाइंस हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मज़ीद आप क्या डिज़ाइनिंग देखना चाहती हैं, क्या सीखना चाहती हैं। कटिंग स्टिचिंग ट्यूटोरियल्स आप हमारे चैनल पर देखती रहती हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बराबर में दिए हुए बेल के आइकन को ज़रूर टच कीजिएगा, इससे आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल कर सकेंगे। एक बार और मैं आपको लुक दिखा रही हूँ सब ट्राउज़र्स की। देखिए, बहुत ही प्यारे प्यारे ट्राउज़र डिज़ाइन मैंने आपको दिखाए हैं, ज़रूर इनसे फ़ायदा उठाइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और ईद पर, और इसके अलावा अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा जागने वाली रातों में, और उसके अलावा भी हर नमाज में। इजाज़त दीजिए अब आप हमें। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।